कुछ करें। दूसरी चीज़, जब बीवी से पहली बार खिलवत, खिलवत मतलब अलहदगी में जहाँ कोई आपको ना देख रहा हो, जब खिलवत में मुलाकात हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब खिलवत ने बीवी से पहली बार मिले, और ये अमल एक बार के लिए है सिर्फ जो अब मैं अमल बयान कर रहा हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब मिले तो उस बिस्मिल्लाह कहे, अल्लाह का नाम ले, और बीवी का जो सर का सामने का हिस्सा होता है बालों का, ठीक, उसको अपने सीधे हाथ से पकड़े, ठीक, सीधे हाथ से पकड़े, सामने का सर का जो बालों का हिस्सा होता है उन बालों को सीधे हाथ से पकड़े, ठीक है, लेकिन तकलीफ देनी मतलब पकड़ना, आप जाहिर सी अगर जमे हैं तो हाथ रखें, खुले हैं तो पकड़ना अच्छी बात है, आप हदीस में आता आपने पकड़ा उसको, ठीक, या आप खोल भी सकते हैं, इसमें क्या मसला, बहरहाल तो उसको पकड़े, और पकड़ने के बाद अल्लाह का नाम ले और एक दुआ करे, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ जो अबू दाऊद और इब्ने माजा की रिवायत है, ये दुआ करे, और ये दुआ सिर्फ एक बार करना है आपको जब आप खिलवत में पहली बार अपनी बीवी से मिलेंगे, हम बिस्तरी से पहले याद रखें, और ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरिहा व खैरि मा जबलतहा अलैहि, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इसके खैर का सवाल करता हूँ और जिस खैर पर तूने इसे पैदा किया उस खैर का सवाल करता हूँ, और फिर फरमाया अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलता अलैहि, और मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे इसके शर से, और इसके मैं पनाह मांगता हूँ तुझे तुझसे इसके शर से और उस शर से जिस पर तूने इसको पैदा किया है। तो बहरहाल ये एक बार दुआ करना है आपको, देखिए दुआ कितनी, देखिए अहम और कितनी अच्छी है कि अल्लाह मैं सवाल करता हूँ तुझसे इसकी खैर का, उस खैर का जिस पर तूने इसे पैदा किया है, और उस खैर का जिसे पैदा किया, और तुझे तुझसे पनाह मांगता हूँ इसके शर से और जिस शर पर तूने इसको पैदा किया है, ये पहली बार आप करेंगे। उसके बाद अब जब हम बिस्तरी का इरादा करते हैं तो